अच्छे भी हैं पॉजिटिव भी, लेकिन बहुत सारा मैंने जो है आई केम अक्रॉस जो है हाँ वो वाला देखा जिसमें लोग जो है दे थिंक कि जो है हम लोग राइवल्स हैं ऐसा कुछ। देखो आज का ब्लॉग बहुत हड़बड़ी में शुरू होने वाला है। आज मॉडल का एक शूट है, कैन नॉट टेल कि कौन सा शूट है, आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा। कॉम करेंगे, डीओ लगाएंगे, टी शर्ट चेंज करा है, ब्रश करेंगे एंड बिल्कुल नीचे जाएंगे सेटअप पे। इन लोगों का वैलोरेंट ग्राइंड चल रहा है और बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं अभी। डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दैट। अभी चलते हैं नीचे। भाई आज मैं आप लोगों को वो एक राज बताऊंगा जो मेरे पुराने व्यूअर्स थे, जो लोग मेरे को कास्टिंग के टाइम से ब्लॉगिंग में देखते थे बेसिकली 2 महीने पहले से। तो स्टेप्स काउंट आप में से बहुत लोगों ने पूछा था कॉमेंट सेक्शन में, जो मैं अब इररेगुलर हो चुका था बीच में, बट फ्रॉम नाउ वी विल बी रेगुलर। कितने स्टेप्स होते हैं ऑन द डेली बेसिस, एवरेज भी बताऊंगा कि कितना हम लोगों ने यहाँ पे ऑन फुट चला है। चलो कौन लेना आ रहा सर? चलो ग्रीन स्क्रीन लग चुका है बॉयस। हाँ मेरे पास भी सेम टी शर्ट है बट ये पहनना अलाउड है कि नहीं मुझे पता नहीं है। हाँ क्योंकि नहीं पहन सकते, कभी कभी क्या होता है वो लोगो वोगो में। अब यहाँ से आप देख नहीं सकते क्या है। दिस इज द सस्पेंस। ये कपड़े हैं, ये तो चलेगा, कपड़े तो चलेगा, अंदर क्या है वो नहीं देख सकते। ओके आंटी ने पता है कल बताया था कि तूने खाना वगैरह बनाया था पहले। किसने? तूने पनीर वगैरह मॉडल द कुक मॉडल कभी चैनल ओके कभी सेकंड चैनल का कभी आइडिया है? क्या आइडिया है? व्लॉगिंग, बट सोलो व्लॉगिंग। सोलो व्लॉगिंग में भी मजा है बट उस टाइम में जब तुम ट्रिप में जा रहे हो तब। वरना मतलब वही डे टू डे कुछ भी हो, क्या कर रहे हो, रोज तो कुछ ना कुछ रहता ही है। वही व्लॉग कर दूं तो आपकी है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी चलते हैं, आज शूट सुबह से लेकर रात तक चलने वाला है। 3 बजे दोपहर पे है ना शूट? दोपहर को? हाँ। अच्छा हाँ, बाहर से कुछ लोग आने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग अब ज्यादा कुछ दिखा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ग्रीन स्क्रीन लगा है बस। हाँ ये तो कुछ नहीं, नहीं वो सिर्फ टेबल लाना है। अच्छा, मच्छा नहीं लगी। गाइस आज का व्लॉग बहुत रॉ रहने वाला है, मतलब इसमें कोई सिनेमैटिक शॉट नहीं, कुछ म्यूजिक भी शायद मैं लगाऊंगा। टेबल आज यूज होने वाली है शूट पे। टेबल पहुंच गई नीचे। ये वाइपर की स्ट्रीमिंग टेबल है जो यहाँ पे पड़ी हुई थी। पहले चेयर आएगा उधर। हाँ अच्छा, कैमरा कौन सा यूज करने वाले हैं? कैमरा मेरा करना, मेरा कर सकते हैं, तुम्हारा करना है, तुम्हारा कर सकते हैं। भाई अभी ये एलगाटो की लाइट जो होती है ग्रीन स्क्रीन, ये वर्टिकल होती है राइट? अभी हम लोगों ने इसको हॉरिजॉन्टल करा क्योंकि शूट में हम लोगों को चाहिए थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल टाइप में। अब मेरे ख्याल से फ्रेम ठीक होगा। एक बार इसको भेज के देख दो। नहीं अब तो उसको वही अच्छा लग गया था तो मेरे ख्याल से ये तो अच्छा ही लग गया। हाँ। तो इसमें तो मेरा पूरा रिएक्शन कवर हो और ऊपर भी अब चेयर के ऊपर तक जा रहा है। अच्छा ये तो कट ही हो जाएगा पूरा। हेलो नमन क्या हो रहा है? ऐसा थोड़ा कुछ कर भाई रॉ, आज का मैंने बोला थोड़ा रॉ रहेगा व्लॉग। सेटअप में थोड़ी सी बाधा आती हुई, अब ये रिंग लाइट के बाप आ चुके हैं। दैट मींस इस रिंग लाइट के जो ओनर हैं रेगल टॉस जो द टिकटॉकर, इसको उठा ले यही, यहाँ नहीं रखेगा, इस साइड रखना पड़ेगा, कैमरे के पीछे रहेगा वो। रुको रुको मैं उठा। 3 गाइस रिंग लाइट इन 3। अरे यार काउंटडाउन भी नहीं करने दिया यार। पक्का? हां ये है तो, ये इफेक्ट दे रहा है येलो। ओ भाई गलत है भाई, ये गॉड लेवल है ये तो। तो ऐसे थोड़ी रहेगा गोरा दिखता स्ट्रीम पे। अब ठीक फ्रेम, अब देख फ्रेम परफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा येलो स्टेन देना हो तो भी जस्ट सो के उठाऊ। आधे घंटे की नींद ऐसा लग रहा है मैं 2-3 घंटे सो गया। मॉडल का शूट थोड़ा सा पोस्टपोन हो चुका है, अब शायद रात को करेंगे वो बाकी बचा हुआ शूट। मैं ऐसे क्यों लग रहा है कि भाई एनर्जी खत्म हो गई? एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं हुई अभी। चलो नीचे जाके लंच करते हैं, उसके बाद लाइव स्ट्रीम करनी है अपने को। एक तो यहाँ पे एग्जॉस्ट ने मेरी यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी पूरी खराब कर रखी है। ऑडियो क्वालिटी ये खराब करता है मेरा माइक नहीं, हमेशा यहाँ पे किचन में आते हो या बाहर हॉल रूम में करता हूँ लिविंग एरिया में पूरी ऑडियो क्वालिटी ऐसी की तैसी जाती है। आज दोपहर को बने हैं दम आलू रोटी। सुनो मैं बना रहा हूँ ठीक है, बहुत हालिया यार। सो 1 घंटे की मुश्किल से टूटी फूटी नींद करके वापस हम लोग आ चुके हैं स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के पास। मॉडल का अलग शूट था आज, हम देखते हैं आज अभी
पूरा दिन कैसा जाता है। हमारा दिन बेसिकली स्टार्ट हुआ है रात को, तो अभी देखते हैं। अभी गाइस रेबल के साथ काम करने के लिए जा रहे हैं, ये ला देते हैं। क्या खा लिया ब्रो? पूरा खाना चबा ला ब्रो, इसको भी चबा। अबे उसमें भी सस्पेंस है, सस्पेंस है ब्रो, अभी सस्पेंस है भाई। 11 लिख के बैठे फूड टेस्टिंग कर रहा है अभी, सस्पेंस है। खाना दबा यार, चूज उसको और खा गया। अबे ये खाना थोड़ी था, अरे नहीं अभी ऑस्ट्रेलियन क्या भाग रहा है, क्या हो गया, तुम्हें खाना है क्या भाई? वो उल्टी करेगा अभी, उल्टी करेगा। चॉकलेट सिरप, चॉकलेट सिरप मामा के लिए प्यार के, हल्का सा खा के देखो। आपको खाना है, चूसना है और चबाना है। अबे और अब ये चबा रहे, चबा रहे, मुंह बंद कर लो और चबाओ थोड़ी देर, हल्का सा चूसो। चूसो कैसा लग रहा है? A few inches later. उल्टिया हो रही है ना? So अब हमारे बीच में आए हैं तो अभिनव भाई, the champion, और भाई ये पास चीज है भाई, पास कर गए। हमने भी हमारे लिए प्यार से भाई, ये है आया कैसे भाई, इतना डरता है नहीं। रुक एक सेकंड रुको, ये हमारे लिए आ चुके हैं, थोड़े से कैमरा से कूल बाथरूम में। अब आपको चबाना है, चबाओ चबाओ दादा, पूरा चबाओ, तो चबाओ, शक्लें नहीं बना दो यार, ये तो गलत बात है, चबाओ तो। A few inches later. इस भाई गलत सीन, अभिनव भाई गलत सीन। भाई रेड बुल पीने का मन कर रहा है और अपने पास एक रेड बुल स्पॉन्सर्ड स्ट्रीमर तो है ही अपना। Behave yourself. तू रेड बुल स्पॉन्सर्ड स्ट्रीमर नहीं, ओके? माफिया, प्लीज गिव मी रेड बुल ब्रो। तुम्हारे खजाने से ओ भाई ये वापस, इस खजाने की स्टोरी मैंने अभी तक यूट्यूब में नहीं डाली, एक पहले शूट करा था बट ब्लॉग में नहीं डाला। तो अब देखो कि इस रेड बुल वाले खजाने की कहानी क्या है। गाइस देखो, माफिया मॉडल लग रहा है, नहीं लग रहा है मूड एक बार, बस कच्चा थोड़ा सा और छोटा पहन ले शॉर्ट्स। रेड बुल की बाटली का है, मेरे पास बहुत है, है है। तो एक दे तो सही, तेरे भाई भी तो पिएगा, मैंने 3-4 दिन से नहीं पिया भाई, देना है तो दे तो है तो। नहीं भाई फोटो तभी खींचूंगा जब रेड बुल मिले। हां वो तो तेरा प्राइस मिल जाएगा अभी तो दे, मेरा वो भी खींचेगा ना उसके साथ में। भाई ये रूम कितना ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू 8-bit सोल के रूम में यार, बेडरूम में और स्ट्रीमिंग रूम में दोनों में गलत ही ठंडा रहता है। ओ माई गॉड कितनी है, क्या हुआ? बस क्या? एक और बाद में लूंगा मैं, ये देख एक दो दिन बाद। ओ भाई खजाना देख रहे हो, ये रेड बुल स्पॉन्सर्ड ब्रो। बस 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 थोड़े दिन बाद मैं ऊपर आ रहा हूँ, ऊपर आ रहा हूँ। कितना आया था क्रेट? क्यों घर में कितना क्रेट आया था? कुछ सोच, दो आया होगा, दो तो मेरे थे, ठीक है कितने होते? 48 बॉटल, 48 कैन। तो बाद में अबे कोई देख, सुन सुन गेमिंग हाउस में बहुत कम ऐसे दो लोग हैं जो व्लॉग देखते हैं, ठीक है तो टेंशन मत ले। सुनो जो भी लोग हैं बिल्कुल चुपचाप रहो, बिल्कुल चुपचाप रहो। अरे वो तो भाई दूसरों ने खत्म किया, मैंने थोड़ी खत्म, वही तो बोल रहा हूँ, बहुत आए थे फिर इतना पियोगे ना तो वो हो जाएगा, इसलिए मैंने एक रख लिया था। सही है बट आप लोग जितने भी व्लॉग देख रहे हो बताना मत किसी को भी, स्ट्रीम पे जाके किसी को भी स्पैम नहीं होना चाहिए। चल माफिया फोटो खींचते हैं। Behave yourself. अब समझ गया माफिया के रेड बुल का राज, और ये बैक टू बैक। अब कभी कभी बीच में बूम बूम जाता रहता हूँ मैं, दो दो तीन तीन दिन में। अब बस ये रेड बुल छुपा के रखने इन सबसे। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं टेरेस में, मैं और मामा। मेरा तो व्लॉग या तो सीढ़ियों में एंड होता है या तो टेरेस पे एंड होता है। तो आज हम लोगों ने वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, फोटो, हाँ फोटो डाला था, ये यहीं पे हम लोगों ने शूट करा था। और कमेंट्स देख रहे थे अभी हम, अच्छे अच्छे कंटेंट भी हैं, ले वो कमेंट्स भी हैं। पहला था कंटेंट इज राजमा चावल, भाई कंटेंट ऐसे ही होता है भाई, बेस्ट व्लॉगर्स ऑन अर्थ इन वन फ्रेम। अच्छे भी हैं, पॉजिटिव भी, लेकिन बहुत सारा मैंने जो है आई केम अक्रॉस जो है, हाँ वो वाला देखा जिसमें
लोग जो है दे थिंक कि जो है हम लोग राइवल्स हैं ऐसा कुछ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सिनर्जी अपना अपना चल, तुम्हें नहीं पता चलता कि इस छत पे यहाँ पे बैठे बैठे कितने कंटेंट प्लान होते हैं। और कल भी एक बहुत ही प्यारा कंटेंट एग्जीक्यूट होने वाला है, होपफुली आपको परसों पसंद आए, नहीं आप कल देखोगे तो पसंद आएगा। कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग और प्लान तो कर ही रहे हैं यार। देखो हमको भी पता है इवेंचुअली एक घर में बार बार चीजें दिखा दिखा के बंदे बोर हो जाते हैं, ठीक है। अब उसमें और क्या चीजें नहीं कर सकते हैं, प्लान हो रखी है, एग्जीक्यूट करना बाकी है। बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार, जैसे कि अगर हम लोगों ने सोचा कोई एज अ ग्रुप जो है कोई कॉन्टेंट को जो है क्या कहते हैं प्लान आउट करना, लेकिन फिर अवेलेबिलिटी की बात हो जाती है। हर वक्त एक साथ फ्री नहीं होता, फ्री होता है तो कोई सिस्टम पे बैठा होता है तो अच्छा नहीं लगता कि यार उठ के चल ये वाली चीज। जब देखते हैं कि हर कोई सोफे पर पड़ा हुआ है, तब उठा के लाते हैं और तब हो पाता है, क्योंकि अपना अपना स्पेस होता है हर किसी का। कोई किसी मतलब किसी की लाइफ में कुछ चल रहा हो ना बता रहा हो तो वो वाला हिंडर नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे रह के इस छत पे तो भाई बहुत गलत चीज़ें होती हैं, एंड आई होप वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट करे, आप लोगों के सामने देखने को मिले। प्लान तो बहुत कुछ होता है यार, लेकिन एग्जीक्यूशन इज द की, वो वाली चीज़ जो है थोड़ा सा खोट खा जाती है यार कभी कभी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गेम्स डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारी पुरानी गेम्स ऐसी निकल के आई कि मांबा जैसे दूसरी गेम खेलता था, मैं दूसरी गेम खेलता था, तो एक दूसरे को जैसे मान लो कि मेरा कुछ जॉनर है तो शायद मांबा एज ए एंटरटेनर उस गेम को बेटर खेल पाए, तो मैं उसको बता रहा था कि तुम ये खेल सकते हो, वो मुझे कुछ बताते हैं, तो फिर हो जाता है वो सारी चीज़ें डिस्कस करने से आते हैं। वो जो एक हमने फ्रेज डाला था, यूनिटी इज कॉन्टेंट। जब साथ में बैठते हैं ना, जब बहुत सारे दिमाग एक साथ चलते हैं तब कुछ ना कुछ निकल के आता है। जैसे मैं आजकल केतन को देखता हूँ क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हुए स्ट्रीम पे, तो मेरे को अपना याद आता है, क्योंकि मैंने जिस शिद्दत से खेला था तो मैंने अपना पुराना वाला रिलेशनशिप का कचरा भी उसी की वजह से किया था, क्योंकि मेरा जब एक जो है अटैक ख़राब होता था तो पूरा जो है मतलब पागल हो जाता था, बहुत ख़राब लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि मेरी वजह से, क्योंकि मैं अपने क्लैन में अपने आईडी के साथ साथ तीन चार लोगों का और अटैक करता था, तो मुझे लगता था यार मेरी वजह से सब ख़राब हो गया है यार। मेरे को ऐसा लगता था कि मोबाइल गेमर जितने भी थे सब ने एक बार तो क्लैश ऑफ क्लैंस खेला ही है। हाँ जरूर, क्योंकि मुझे ऐसे याद है क्योंकि मेरी जर्नी शुरू हुई क्लैश ऑफ क्लैंस से, फिर मैंने स्विच मारा मिनी मिलिशिया आया, मिनी मिलिशिया में मारा, मिनी मिलिशिया के बाद फिर पबजी पे मारा, तो एक तरीके से ये एक सफर है मोबाइल गेमिंग का मेरा 2013 से। सो गाइस, आपको अगर ये वाला व्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वेरी क्लोज टू 700K, एंड कल का व्लॉग का थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, कल का व्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा टू बी ऑनेस्ट। और एक चलो छोटा सा हिंट, यहाँ पे कुछ काम होने वाला है, तुम चलोगे कल? चल देंगे। चलो फिर चल लेंगे, तो फिर कल मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आसपास खुशी बरसाइए, बरसा दिए। और जो कल चैलेंज दिया था तीन लोगों का, हेल्प करा कि नहीं करा? अगर नहीं करा तो आज वापस से वही सेम चैलेंज कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। क्योंकि बहुत सारे गेमर्स का जो है कॉम्पिटेटिव में, उनका मैंने ऐसे सुना कि मैं एक बार मेरा भाई खेल रहा था, मेरे को दिखाया। तो फिर ऐसे ही डाउनलोड करा। बहुत सारे लोगों का ऐसा स्टोरी था। आज कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स हैं अच्छे क्लैन के, अच्छे उसके टीम के, और जिन्होंने रिकमेंड करा था जो भी उनके दोस्त थे वो कहीं भी नहीं है। जिन्होंने कहा था ये वाला खेल उनको कोई नहीं जानता, वो शायद आज उनको खुद वो लौंडे नहीं जानते जिन्होंने रिकमेंड किया। वो पूछता होगा कि भाई तू कहां है, मैंने बता दो खेल ले गए लौंडे का। वो बस अपने आपसदारी में सरकन बता दे, मैंने बताया उसको, मैंने बताया, देख आज कहां पहुंच गया हूं।